बुलंदशहर से बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा की निलंबित सांसदों को बहाल करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे। सपा कार्यकर्ताओं ने निलंबित सांसदों को बहाल करने की मांग की, अभी भी कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए सारे देश को जानकारी है और आपके माध्यम से ही जानकारी हुई है कि अभी जो केंद्र की सरकार है उसने विपक्ष के 142 सांसदों को निलंबित किया है राज्यसभा और लोकसभा से। तो हमारे इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी दो दिन पहले, उसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज 11 से 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद महामहिम के नाम में ज्ञापन देंगे 1 बजे। तो सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं धरना स्थल पे कि जो ये बेईमान सरकार है जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है और लोकतंत्र की हत्या बंद करें और सांसदों का निलंबन अविलंब वापस लें, इसीलिए आज धरने बैठे। जो आपकी मांग है इनको यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए आगे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है दिशा निर्देश देगा उसी के तहत जो है आगे का कदम उठाया जाएगा, जिस भी आंदोलन के लिए और जैसा भी आंदोलन के लिए आदेश होगा उसी को समाजवादी तमाम समाजवादी लोग समाजवादी कार्यकर्ता समाजवादी नेता मजबूती से उस लड़ाई को लड़ेंगे।